हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, किस दिन आएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सो दैट आपको पता चल जाए आपका रिजल्ट किस दिन आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आपको सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, टाइमली और इम्पोर्टेंट अपडेट्स पता चलते रहें। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई नोटिस क्या आया है। यहाँ आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, ये आपका नोटिस नंबर है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल वन ऑफ सेवन सीबीसी मैट्रिक्स, नोटिस ऑन सीबीटी रिजल्ट्स रिगार्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज पीईटी, ठीक है। CBT of above CEN was held in multiple phases from 17th of August 2022 to 11th of October 2022. यानी कि आपका एग्जाम कब तक चला था? अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ही आपका एग्जाम चला था। द रिजल्ट्स ऑफ CBT फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज PET, इज करंटली अंडर प्रोसेस। जो आपका रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेस है, अभी देखा जा रहा है, एनालाइज करा जा रहा है, फिर आपका रिजल्ट निकलेगा। और जो आपका रिजल्ट है, द रिजल्ट्स आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी ऑन और बिफोर 24th of December 2022। यानी कि जो आपका रिजल्ट है या तो 24 दिसंबर को आएगा या उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक डेट पता चल गई कि या तो भाई 24 दिसंबर को आएगा या उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग टू बी क्वालिफाइड इन CBT आर एडवाइज टू बी रेडी फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बाई रिस्पेक्टिव रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स ऑफ द जोनल रेलवेज एंड आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम January 2023 ऑनवर्ड्स। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा है कि ये वो क्वालिफाई कर लेंगे, तो उनको एडवाइस किया जा रहा है कि वो रेडी रहें PET के लिए, जो कि कंडक्ट कौन कराएगा? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कंडक्ट कराएगा स्पेसिफिक रेलवे जोन के, ठीक है। और ये कब होने वाला है? ये आपका जनवरी में होने वाला है, अगले साल जनवरी में आपका PET होने वाला है। इन दिस रिगार्ड सेपरेट नोटिस विल बी पब्लिश बाई रेस्पेक्टिव RRCs ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स। और इसके रिगार्डिंग आपको चिंता नहीं करनी है, अलग से नोटिस आ जाएगा वेबसाइट पर, वहां से आप चेक कर सकते हैं। फिर भी जिन बच्चों को लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे, तो PET के लिए बिल्कुल रेडी रहें, जनवरी में आपका PET होने वाला है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs, RRC फॉर लेटेस्ट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट गेट मिसलीड बाई अनऑथोराइज सोर्सेज। कैंडिडेट्स को ये भी कहा गया है कि अनऑथोराइज सोर्सेज पे बिलीव ना करें और ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपडेट है उसी को सही माने, ठीक है। ये आपका नोटिस है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो 24 दिसंबर बेटा आपकी डेट है जब आपका रिजल्ट आएगा, 24 दिसंबर को आ सकता है या उससे पहले आ सकता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। ऑल्सो अभी इस टाइम 10 से 16 दिसंबर तक आपका मेगा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लगभग 20% वहाँ पर अपना सेव कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। अभी के अभी सब्सक्रिप्शन लो और अपनी तैयारी और अच्छे से और बेहतर तरीके से करो, ताकि आपको सिलेक्शन इस बार मिल जाए। ध्यान रखना, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे अनअकैडमी का, वहाँ पर आपसे कोड पूछा जाएगा। कोड में आपको क्या यूज़ करना है? PMYD, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। ऑल्सो वहाँ पर आपको बैचेस भी मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लस पर आप जैसे ही आओगे आपको मल्टीपल बैचेस मिलेंगे, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्शन का संकल्प हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया जो कि CGL 2022 मेंस को लेके है, न्यू पैटर्न बेस्ड है। विजेता बैच हो गया, ये भी मेंस को लेके है, और प्रतियोगिता मंत्रालय की फुल टीम की तरफ से आपका मेंस स्पेशल बैच हो गया। इसमें निखिल सर आपकी मैथ्स, शुभम सर पढ़ाएंगे रीजनिंग करंट अफेयर, राहुल सर पढ़ाएंगे जनरल अवेयरनेस, सूचना पढ़ाएंगी इंग्लिश। ये आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप एनरोल कर लो। जो बच्चे प्लस पर नहीं है, प्लस पे आने के लिए PMYT कोड यूज करना, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और सारे ही बैचेस का फायदा उठाओ। किसी बैच में आप एनरोल कर सकते हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका अनअकैडमी प्लस, वहां पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। चाहे हम बात करें कि आपको रैंक अपनी पता करनी हो, आप रैंक भी पता कर सकते हो। कॉम्पीट में जरूर पार्टिसिपेट करना, ऑल इंडिया रैंक आपको पता चल जाएगी, किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी है। नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, कुछ और नहीं करना है, कुछ और भी पे नहीं करना है, एक बार में सब्सक्रिप्शन लेना है। आस्क अ डाउट फीचर भी है, सो दैट आपको कोई भी डाउट है अपने एजुकेटर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको फुल सॉल्यूशन मिला जाएगा उसका। प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो कोड आपको क्या यूज करना है? PMYD, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लोगे तब भी आपको PMYD कोड ही यूज करना है, और जो PMYD कोड है वो आपका हर कैटेगरी पर वैलिड है, ऐसा नहीं है केवल SSC पर है। ये आपका UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, NDA, एयरफोर्स,
सेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई और नीट सभी एग्जाम्स पर ये आपका वैलिड है। यहाँ पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एग्जाम्स।